हम इस वक्त खड़े हुए हैं शहर जनपद के लोक निर्माण विभाग कार्यालय में, कलेक्ट्रेट परिसर में यह कार्यालय स्थित है और हमारे पीछे आप देख सकते हैं विभाग के अधिशासी अभियंता एस के वर्मा जी का यहाँ केबिन है। परंतु यदि हम देखें तो अंदर केबिन में अधिकारी मौजूद नहीं है। इस समय 11:37 का समय हो रहा है। योगी आदित्यनाथ के सूबे के मुखिया के पद की शपथ लेने के बाद ये महत्वपूर्ण फैसला दिया गया था और निर्णय साथ में आदेश दिया गया था कि प्रत्येक अधिकारी समय पर कार्यालय पहुंचे और साफ सफाई की व्यवस्था यहां सुनिश्चित करें। कार्यालय में यहां 11:38 हो चुके हैं परंतु अभी तक यहां अधिकारी मौजूद नहीं है। ऐसा नहीं है कि अधिशासी अभियंता साहब ही मौजूद न हो, यहाँ पर सहायक अभियंता के तौर पर मिश्रा जी हैं, गुप्त जी हैं, इनके चैम्बर भी खाली हैं, अभी तक ये लोग भी यहाँ आए नहीं हैं। 11:37:40 12:00 का टाइम यहाँ हो रहा है परंतु कोई भी अधिकारी यहाँ नहीं है। सफाई की यदि हम व्यवस्था की बात करें तो यहाँ इस तरीके से पैम्पलेट लगाए हुए हैं जिस पर लिखा हुआ है कार्यालय प्रांगण में गुटखा तंबाकू एवं धूम्रपान करना निषेध है। मुख्यमंत्री महोदय के आदेश को देखते हुए इस तरीके के पैम्पलेट यहाँ चारों ओर पूरे कार्यालय में प्रांगण में चिपका दिए गए हैं, जिससे कि सभी को ये संदेश दिया जा सके कि इस प्रांगण में, सरकारी विभाग कार्यालय के प्रांगण में, किसी भी तरीके की गुटखा पान सिगरेट आदि का प्रयोग पूर्णतः वर्जित किया गया है। परंतु वहीं यदि यह गौर किया जाए तो जितना प्रांगण में सफाई व्यवस्था सुनिश्चित की गई है उससे कहीं ज़्यादा, यदि कोनों की तरफ हम बात करें, मैं सहाय अपने कैमरा पर्सन से गुजारिश करूँगा कि वो ये भी दिखाएं कि कोनों में किस तरीके से अभी तक सफाई के दावे पूरे साबित हो पा रहे हैं नहीं। ये पीक के हैं, यहाँ तम्बाकू की शायद पीक मारी गई थी जिसके बाद यहाँ गंदगी, हालांकि सफाई कर दी गई है, परंतु अब ये कोना यदि आप देखें तो इस कोने में कूड़ा बदस्तूर रखा हुआ है। चाय के गिलास वगैरह हैं, नमकीन के पाउचेस भी हैं जो कि पूरी तरीके से सफाई नहीं की गई है। ये है जनपद के लोक निर्माण विभाग कार्यालय का हाल जो हमने आपको दिखाया। यहाँ देख सकते हैं लोगों का तो आना बदस्तूर जारी है, विभिन्न समस्याओं को, विभिन्न मांगों को लेकर के, अपनी मांग को लेकर के यहाँ जनपद के लोग आ रहे हैं क्योंकि ये सरकारी कार्यालय लोक निर्माण विभाग कार्यालय है। यहाँ आप देख सकते हैं पीछे कुछ लोग खड़े भी हैं, कार्यालय के कर्मचारी भी हैं, कर्मचारी यहाँ मौजूद हैं परंतु अधिकारी नदारद हैं। अब आखिर क्या कारण है कि क्या ये किसी कार्य के चलते अपने फील्ड में हैं या अभी तक इन्होंने कार्यालय में आना मुनासिब ही नहीं समझा है, ये तो वो स्वयं जानते होंगे कि आखिर क्या कारण रहा। बहरहाल कार्यालय में जिस तरीके की व्यवस्थाएं हैं वो मुख्यमंत्री महोदय के फैसले और उनके आदेश की किस तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कितना उन आदेशों का पालन किया जा रहा है, इसकी पोल वो स्वयं खोल रही हैं। लोक निर्माण विभाग कार्यालय पर जो भी स्थिति है, जो भी वर्तमान में वहाँ की व्यवस्थाएं दिखाई दी, हमने आपको दिखाया अपने चैनल के माध्यम से और बताया कि वहाँ पर मुख्यमंत्री के आदेशों का कितना पालन कराया जा रहा है। अब हम वर्तमान में मौजूद हैं वन विभाग कार्यालय में। यहाँ की व्यवस्थाओं के संबंध में जो दृश्य आपने देखे हैं वो साफ स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर तो सूबे के मुखिया के आदेशों का पालन किया ही जा रहा है। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी श्री मनीष मित्तल जी, उनसे हम जानकारी करेंगे कि सूबे के मुख्यमंत्री महोदय योगी आदित्यनाथ के द्वारा दिए गए आदेशों का उनके द्वारा किस तरीके से यहां पालन कराया जा रहा है और क्या कुछ व्यवस्थाएँ यहाँ सुनिश्चित कराई जा रही हैं। जी मनीष जी, कैसी व्यवस्थाएँ आपके द्वारा यहाँ करवाई गई? देखिए, हम लोगों ने साधारण रूप पे भी चाक चौबंद और सफाई की व्यवस्था रहती है कार्यालयों में, लेकिन इस पे और विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जो कर्मी सफाई से लगे हुए हैं या जो लोग और यहाँ पे प्रांगण में हैं वन परिसर में, उनके सहयोग से इसमें रोज प्रातः जो है सफाई करके इस क्षेत्र को पूरा साफ रखा जा रहा है और सबको सेंसिटाइज किया जा रहा है कि सफाई अपनी जगह है लेकिन गंदगी हो ही ना, प्रयास ये करना चाहिए कि गंदगी हो ही नहीं। तो जो प्रिवेंटिव एक्शन है
उस पर भी प्रयास किए जा रहे हैं। डस्टबिन अगर अलग अलग जगह पे लगाए भी गए हैं और सबके सहयोग से सफाई व्यवस्था बनाए रखी जा रही है। कोई भी चीज़ों की जो आपकी आदतें होती हैं वो चेंज करने में अनुशासन, शासन के नियम कानून और साथ में उनको प्रेरणा देते रहना और दूसरों को देख के कुछ करते हैं। जब आदमी देखता है कि कोई दूसरा गंदगी नहीं कर रहा तो वो खुद भी गंदगी नहीं करता है। तो ये कहते हैं कि अगर आपने गंदगी कहीं जनरेट होने ही नहीं दी तो फिर वहाँ गंदगी नहीं होती है, और कहीं कूड़ा पड़ा होता है तो वहाँ चार लोग और आके गंदगी करते हैं। तो इन छोटी छोटी चीज़ों से हम लोग काफ़ी सुधार ला सकते हैं। तो ये थे वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मनीष मित्तल जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्होंने यहाँ व्यवस्थाएं कराई गई हैं साफ सफाई सुनिश्चित कराने की, जिससे, और साथ में ही उन्होंने एक मुख्य बात भी बताई कि अमूमन ये लोगों की सोच होती है कि जहाँ पहले से गंदगी है वहीं पर अपना वो कूड़ा भी फेंकें और गंदगी उसको कर दें, और यदि आपके यहाँ पर साफ सफाई है तो मन से एक आवाज निकलती है कि जहां साफ स्वच्छ वातावरण है, स्वच्छ स्थान है, उस जगह हम गंदगी न करें। तो ऐसा भी एक प्रयास होना चाहिए जिसके चलते सरकारी विभागों में सूबे के मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए आदेशों का सामान्य रूप से पालन करवाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा शपथ लिए जाने के बाद सबसे पहला निर्णय लिया गया, आदेश दिया गया, प्रदेश भर के सभी सरकारी कार्यालयों में साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और साथ ही गंदगी वहाँ पर न रहे। इसके साथ ही उन्होंने एक और आदेश दिया कि सभी अधिकारी समय पर कार्यालय में उपस्थित रहें और जनता से मिलने का जो समय है उस पर जनता से मिलें और जो भी उसकी समस्या है उसके समाधान को जल्द से जल्द सुनिश्चित करें। इसे लेकर नियो न्यूज़ ने आज सभी सरकारी विभागों की जानकारी करी और वहाँ की स्थिति को आपसे रूबरू कराया। हमने लोक निर्माण विभाग को देखा, हमने वन विभाग कार्यालय को भी देखा, और अब हम यहाँ मौजूद हैं राजीव भवन में, जहाँ पर मुख्य विकास अधिकारी श्री मनीष कुमार वर्मा जी के द्वारा तमाम व्यवस्थाओं के संबंध में निर्देश कर दिया गया है और साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा दिए गए आदेश का किस तरीके से पालन करवाया जा सके इसको लेकर के तमाम व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करवा दिया गया है। इसे लेकर के मनीष कुमार वर्मा जी ने आज संपूर्ण प्रांगण का भी निरीक्षण किया, वहाँ की साफ सफाई की व्यवस्थाएँ देखी। संभवतः लगता है किस तरीके की साफ सफाई रही, क्या कुछ उन्होंने देखा, क्या कमी रही, इसको लेकर के हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ खास उनका रहा और क्या। जैसा कि शासन के निर्देश हमें प्राप्त हुए हैं, सबसे पहले अपने कर्मचारियों की समय से उपस्थिति सुनिश्चित कराने के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस यहाँ पे कंपलसरी कर दी गई है और कल से स्टार्ट हो गई है। अब जितने भी कर्मचारी राजीव भवन में कार्यरत हैं वो सुबह आने के टाइम पे और शाम को जाने के टाइम पे वो बायोमेट्रिक में अटेंडेंस करते हैं, जिससे कि थोड़ी सी व्यवस्था सुदृढ़ होगी और समय से लोग ऑफिस आएंगे। दूसरा, साफ़ सफाई को लेके कल समस्त कर्मचारियों को शपथ दिलाई गई, सारे BDOs भी उसमें थे उनसे ये, और सारे सचिव भी परसों बुलाए गए थे उनको भी शपथ दिलाई गई और उनसे अपेक्षा की गई कि वो जब वापस जाएंगे तो अपने ब्लॉकों में, अपनी ग्राम पंचायतों में संबंधित लोगों के साथ ये शपथ दिलाएंगे और श्रमदान का और स्वच्छता का एक संदेश फैलाएंगे। इसी के क्रम में आज समस्त कार्यालयों का निरीक्षण भी किया गया। ज़्यादातर कार्यालय में कर्मचारी समय से पहुंच गए थे, साफ़ सफाई उन्होंने अपनी करी थी, कुछ कर रहे थे, जो फाइलें पुरानी पड़ी हुई थी उसका रखरखाव, उसका जो पुराने हो गए उनका वीड करने की कार्यवाही भी कर रहे थे। तो उम्मीद है कि अगले 2 से 3 दिनों में जो कार्यालय के अभिलेख हैं व्यवस्थित हो जाएंगे और साफ़ सफाई भी और चुस्त दुरुस्त, आज जैसे कोई गंदगी नहीं मिले, आज जो 2 पॉइंट्स मिले थे जहाँ पर कि वो पुराना निर्माण है थोड़ी सी गड़बड़ी हो रही है उसको सही करने का आदेश दे दिया गया, तो ये व्यवस्था मुझे लगता है 2-3 दिन में सही हो जाएगी। कोशिश कर रहे हैं कि जो राजीव भवन के ऐसे हिस्से जहाँ पे कि ज़्यादा ही दिक्कत है, जैसे पानी के लीकेज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, यहाँ पे छत से पानी सीपेज करके आता है और जिससे कि नमी फैलती है, दीवारों में दीवारें ख़राब होती हैं, उनको चिन्हित करके उसको भी सही कराने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्य विकास अधिकारी श्री मनीष कुमार वर्मा जी, आपने बताया स्पष्ट तौर पर कि मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए आदेशों का आपके द्वारा पूर्व में ही इस तरीके की व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करवाई जा चुकी हैं, बायोमेट्रिक मशीन से समय पर उपस्थिति, कर्मचारियों का आना और जाना आपके द्वारा पूर्व में ही व्यवस्थित करवा दिया गया, आपके द्वारा सफाई व्यवस्थाओं का समय समय पर खुद अवलोकन करवाया जाता है और जो कमियां होती हैं उन्हें जल्द से जल्द दुरुस्त कराने के निर्देश भी दिए जाते हैं। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद में कल शपथ ग्रहण, गुरुवार को आपने शपथ दिलवाई संपूर्ण कर्मचारियों को और व्यवस्थित रहने के निर्देश दिए, साफ सफाई रखने के शपथ दिलवाई गई। साथ ही आज भी आपके द्वारा यहाँ पर परिसर में भ्रमण कर यहाँ की व्यवस्थाएं देखी गई और जो भी कमियाँ रहीं उनको जल्द से जल्द दुरुस्त कराने की बात कही गई। नियो न्यूज़ के लिए अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सत्यपाल सिंह के साथ मोहित चतुर्वेदी।
We'll be right back.